हलवा तो आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको टेस्टी पपीते का हलवा बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो आप पपीते का हलवा बनाने के लिए आप इसे सबसे पहले छील के और इसका बीज निकाल लेंगे और इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से मतलब कद्दूकस हो चुका है और बहुत ही हलवा इस तरह बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो ताकि मैं ये अच्छे से पके। और बहुत ही पपीते को फल के रूप में तो लोग बहुत खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका टेस्टी हलवा बनाना जानते हैं। तो ये देखिए, इसको मुझे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो ये जब अच्छे से पक जाएगा तो बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा। और मैं यहाँ पर देखिए ढक्कन लगा दे रही हूँ और गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखी हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने 500 ग्राम दूध लिया था, उसको मुझे जला के रबड़ी जैसा बनाना है। तो आप चाहें तो जैसे आपके घर में खोवा हो तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दूध को जला के इसका रबड़ी बना के यूज़ करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हलवा बनेगा, काफ़ी अच्छा हलवा बनता है। तो ये देखिए, दूध भी नीचे से आपको दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे से मतलब खोवा रबड़ी बन रही है। और इसको मुझे एकदम खोए के रूप में नहीं बना। अब मैं गैस का फ्लेम एकदम लो रखी हूँ और ताकि ये कहीं से लगे ना। और इधर मैं चेक कर लूँगी कि ये पपीता अच्छे से पका है कि नहीं। तो मैं इसको पूरी तरह अच्छे से चलाऊँगी नीचे ऊपर करके। तो ये देखिए, मैं इसको दबा के ऊपर नीचे करके अच्छे से चला रही हूँ ताकि चारों सभी तरफ से अच्छे से पक जाए। तो देखिए, इसको 1 से 2 मिनट मैं और पकाऊँगी। तो मैं इसको देखिए नीचे ऊपर करके अच्छे से चला रही हूँ ताकि हर तरफ से ये अच्छे से पक जाए। तो वैसे पपीता जो है हल्का सा कच्चापन भी लिया रहे तो कोई बात नहीं है। तो ये मेरा पपीता जो है अच्छे से पक चुका है और दूध भी की जो रबड़ी है काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं देखिए कितनी अच्छे से रबड़ी गाढ़ी हो चुकी है। मैं इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊँगी। तो मैंने यहाँ गैस का फ्लेम बताया कि एकदम लो रखा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो किनारे चारों तरफ लगा है उसको भी आपको छुड़ा लेना है। और इधर देखिए, ये पपीता जो है अच्छे से अब पक चुका है और मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। और ये रबड़ी भी एकदम तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको बाउल में मैं यहाँ पर देखिए, मैं पपीते को स्टैंड की सहायता से अच्छे से छान लूँगी ताकि इसका सारा पानी ही अच्छे से निकल जाए, तभी जो इसका हलवा टेस्टी बनता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं दबा दबा के सारे पानी को अच्छे से निकाल लूँगी। तो ये पानी अच्छे से अब निकल चुका है और यहाँ पर जो मेरी रबड़ी थी वो देखिए, वो अच्छे से मैंने एक बाउल में निकाल ली हूँ। और मैं अब जैगरी का यूज़ करूँगी। तो आप चाहें तो चीनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हलवा टेस्टी बनता है जैगरी से। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाल दिया है। और जब इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डालूँगी। तो ये देखिए, पानी निकल चुका है और मैं इसको चम्मच की सहायता से इसको डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। तो अब मुझे इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो जब आप घी में भूनेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत लोग इसको कद्दूकस करके और डायरेक्ट दूध में भी पकाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरा अपना तरीका है वो मैं बता रही हूँ। इस तरह पपीते का बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। और आप लोग पपीते के बारे में जानते ही हैं कि काफ़ी पौष्टिक होता है पपीता। तो मैं इसको और पौष्टिक बनाने के लिए मैंने बताया कि मैं यहाँ पर जैगरी का यूज़ करूँगी तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। और ये देखिए, मैं सबसे पहले देखिए, मैं जो घर का बना हुआ रबड़ी है वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैंने जो भी चीज़ दिया है वो घर का ही चीज़ है। तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है इस तरह। तो ये सारा रबड़ी जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं जैगरी डालूँगी। तो जब अगर आप जैसे चीनी डालते हैं तो उसका कलर इतना बढ़िया नहीं आता, और अगर आप जैसे गुड़ डालते हैं तो इस हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो ये देखिए रबड़ी भी अच्छे से मिल चुका है, और मैंने देखिए गुड़ को अच्छे से तोड़ लिया है, मतलब अच्छे से कद्दूकस करके लिया है, तो बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि बहुत लोग कलर डालते हैं, तो आपको कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो आप इस किसी भी व्रत में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने बताया कि जो पपीता होता है ये इसमें मतलब पाचन शक्ति को बढ़ाता है और वजन को कम कर सकता है। पपीते में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए, कैल्शियम होता है, विशेष रूप से इसमें एंजाइम पपाइन होता है जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो देखिए ये गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो, पपीता का हलवा आप व्रत में खाएंगे तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा, बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, और इसमें मैंने गुड़ डाला है तो ये और हेल्दी हो गया है। आप अपने हिसाब से अगर आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया है। तो देखिए ये गुड़ भी अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी हलवा बनता है, आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो देखिए इसको लगातार चलाते रहना है, और अगर आप जैसे थोड़ा भी छोड़ देंगे तो नीचे से लग जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है। तो पपीते का हलवा बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, और मैंने बताया कि ये पपीता में काफ़ी औषधीय गुण होता है। तो देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और मैंने बताया कि अगर आपको मतलब पेट संबंधित कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो तो आप पपीता ज़रूर खाया करिए, काफ़ी फायदेमंद है। अब इस हलवे से बहुत ही अच्छी सी महक आने लगी है, और ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। इसको 1 से 2 मिनट मुझे और इसको पकाना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हलवा होता है, आप इसे ज़रूर किसी भी व्रत में मतलब आप इसे खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए, कैल्शियम होता है, और ख़ास तौर से इसमें पपायन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये पपीता हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए एकदम अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, और बंद करने के बाद भी इसको आपको 1 से 2 मिनट तक चलाते रहना है। तो देखिए इसको मैं 1 से 2 मिनट तक ऐसे चलाते रहूँगी ताकि ये नीचे से लगे ना। तो ये देख रहा होगा आपको कि कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये हलवा एकदम रेडी हो चुका है, और ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट से सजा दिया है। आप इसे गर्म और ठंडा जैसे भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर हलवा लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर किसी भी व्रत या किसी ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।